हाय ऑल, आज हम लोग पैरालिसिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाए कि वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, तो हमारे लिए वो उसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। मगर जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते, तब तक हमें बहुत मुश्किल लगता है उस बीमारी से लड़ना और हम फंस जाते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर हमें कुछ भी बता रहा है, क्योंकि वो इंसान जो हमें बता रहा है वो सब कुछ जानता है उस बीमारी के बारे में, मगर हम कुछ नहीं जानते, तो वो अपने माइंडसेट से हमें बीमारी को बताता है, अपने टर्म्स में बताता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरालिसिस को बहुत ईजी टर्म में आपको समझाने वाला हूँ, ताकि ये आपके लिए क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो। बस करना क्या है, उस बीमारी के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, एक सही जानकारी होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है और वो कैसे होती है वो बीमारी। तो हम पैरालिसिस से स्टार्ट करते हैं। पैरा जो है उसका मतलब होता है पोजीशन और नियर बाई, मतलब बॉडी के किसी भी अंग को आप बोल सकते हैं पैरा, ठीक है। और लाइसिस मतलब होता है डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन, मतलब उस बॉडी पार्ट का, किसी भी बॉडी पार्ट का कंट्रोल हमारे हाथ से चले जाने को ही बोला जाता है पैरालिसिस। तो कहाँ कहाँ का कंट्रोल हमारे हाथ से जा सकता है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, जैसे हार्ट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो हार्ट का कंट्रोल हमारे हाथ में जा भी नहीं सकता, तो हार्ट पैरालिसिस नहीं हो सकता। लीवर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो लीवर का कंट्रोल हमारे हाथ से जा भी नहीं सकता। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है वही हमारे हाथ से छूट सकता है, जैसे हमारे पैरों के कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे हाथों के कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे फेस के कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो अगर ये सब हमसे छूट जाए तो उसे ही बोलते हैं पैरालिसिस। फेस का पैरालिसिस हो सकता है, हैंड का पैरालिसिस हो सकता है, लेग्स का हो सकता है। तो जो भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो अगर हमसे छूट रहे हैं तो उसे ही बोलेंगे पैरालिसिस। नाउ पैरालिसिस को हम डिटेल में समझते हैं, पहले किस तरीके से ये काम करता है। हमारे पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम स्प्रेड है, जो ब्रेन से स्टार्ट होता है, और नर्व्स जो है हमारे वो ब्रेन से, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं इसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में फैली हुई है। बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या कोल्ड ऑब्जेक्ट को या किसी भी बाहर के सराउंडिंग चीज़ों को छूते हैं, तो उससे हमें एक सिग्नल मिलता है जो हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन को जाता है। फिर ब्रेन वहाँ से रेस्पॉन्स करता है कि क्या एक्शन लेना है, अभी क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, और हम फटाक से वो एक्शन लेते हैं। कभी कभी हमारे एक्शंस इतने फास्ट होते हैं और इतने फास्ट एक्शन लेने पड़ते हैं कि ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाता ही नहीं, उससे पहले हमारा हाथ हट चुका होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही अपने आप में ब्रेन का काम कर लेता है और हाथ को सिग्नल दे देता है कि उसे हटना है। तो ये सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में बहुत डीपली बैठ जाता है, तब होता है। तो अगर क्योंकि ऐसा जल्दी नहीं हो, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें ध्यान से समझने वाली बात है कि एक तो सिग्नल जा रहा है ब्रेन में, ब्रेन को पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, और दूसरा ब्रेन एक्शन ले रहा है और कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है कि ये काम करो। तो अगर ये दोनों ही किसी भी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, दोनों ही नर्व्स किसी भी तरीके से डैमेज हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट से, कोई स्ट्रोक से, ट्यूमर से, या फिर वायलेंस से, किसी भी तरीके से अगर ये नर्व्स डैमेज हो गए तो हमें उस ऑर्गेन का पैरालिसिस हो जाएगा, उस बॉडी पार्ट का पैरालिसिस हो जाएगा जिसके भी नर्व सिस्टम डैमेज हुए हैं। तो इस तरीके से अंदर में हमारे सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। और यही अगर मैं मान लो इसे काट दूँ, नस को, इस जो नर्वस सिस्टम है इसे कैंची से काट दूँ, या फिर ये डैमेज हो जाए, कैंची से काटना मतलब कि ये डैमेज हो गया किसी भी तरीके से, तो वहाँ से सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, अब वो कनेक्शन ख़त्म हो गया। और अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया तो उसे ही हम पैरालिसिस बोलेंगे, मतलब कि हमने उस पार्ट का कंट्रोल लूज़ कर दिया। तो इसी तरीके से टोटल 5 टाइप ऑफ पैरालिसिस को डिफाइन किया गया है। पहला है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया का मतलब होता है किसी भी एक हाथ या फिर पैर का पैरालिसिस होने को बोलते हैं मोनोप्लीजिया। अगर आधी साइड, हमारी बॉडी की हाफ साइड अगर पैरालाइज्ड हो गई है तो उसे बोलते हैं हेमीप्लीजिया। हाफ साइड किसी भी साइड का हो सकता है, आइदर राइट और लेफ्ट। अगर हमारे वेस्ट के नीचे, मतलब कमर के नीचे के पार्ट पैरालाइज्ड हो गए हैं,
जिसमें पैर और सेक्सुअल ऑर्गन आएगा, तो उसे बोलते हैं पैराप्लीजिया। अगर हमारे नेक के नीचे के पूरे पार्ट ही पैरालाइज्ड है, जैसा बहुत सारे फिल्मों में भी आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं क्वाड्रीप्लीजिया। अब एक और बच रहा है डाइप्लीजिया, उसे समझते हैं। जो हमारे वेस्ट के नीचे के पार्ट है, जब वो पैरालाइज हो जाए तो उसे बोलते हैं पैराप्लीजिया। और उसके साथ साथ अगर हमारे हैंड भी पार्शली पैरालाइज्ड हैं तो उसे बोलते हैं डाइप्लीजिया। तो इस तरीके से टोटल 5 टाइप ऑफ पैरालिसिस हैं, मोनोप्लीजिया, हेमिप्लीजिया, डाइप्लीजिया, पैराप्लीजिया एंड क्वाड्रीप्लीजिया। थैंक यू।